गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे कि जो अल्कोहल में कार्बनिक श्रृंखला है उसको अपन इंक्रीज या डिक्रीज किन रिएक्शन से कर सकते हैं, यानी कि जो कार्बनिक श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसको किस प्रकार से किन रिएक्शन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। इसी के साथ अपन डिस्कस करेंगे कि हमें जो अल्कोहल्स दिए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनमें अपन डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से कर सकते हैं, उनमें विभेद या अंतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला का आरोहण। आरोहण किसके बारे में बात करेंगे हम? आरोहण के बारे में। आरोहण क्या होता है, सबसे पहले ये चीज डिस्कस कर ले। आरोहण का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, क्या करना है, बढ़ाना है। चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको आपको रेज करना है, इंक्रीज करना है, इसी को कहेंगे आरोहण। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आरोहण मीन, ध्यान रखना, आरोहण कार्बन परमाणु की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। देखिए जिस प्रकार से हमें मैथेनॉल दिया गया है, मान लीजिए हमें क्या दिया गया है, मैथेनॉल दिया गया है CH3OH। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 के साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। इधर अल्कोहल दे रखा है और इसकी जब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH PCl Cl 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 Cl, ये बनेगा क्या, CH3Cl, POCl3 और HCl। तो मेन प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, PCl5 से रिएक्शन करा के आपने क्या बना लिया, मैथिल क्लोराइड। बात आ रही है समझ में? ओके, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम पोटेशियम साइनाइड के साथ में। पोटेशियम साइनाइड इधर है, एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड आयनिक नेचर का है, इसलिए यहाँ पे Cn- प्राप्त होगा, जिसमें नाभिक स्नेही केंद्र माइनस के रूप में कार्बन पे उपस्थित होगा। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3Cn, यानी कि मैथिल साइनाइड का यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, ओके। अब इस मैथिल साइनाइड का आप करा दीजिए अपचयन। कैसा अपचयन, पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन मीन्स देखिए CH3C(NN), आप रिडक्शन करा रहे हो, पूर्ण अपचयन करा रहे हो मीन्स ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, दोनों बॉन्ड टूटे मीन्स CH3CN। कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे, दो। नाइट्रोजन के भी कितने टूटे, दो। तो कार्बन से दो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से भी क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। क्यों जुड़े हाइड्रोजन, क्योंकि हम करवा रहे हैं अपचयन। क्या करवा रहे हैं, अपचयन। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2NH2 CH3CH2NH2। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट आएगा अपचयन के रिजल्टिव। ओके, इसके पश्चात क्या हमें टिल्डन रिएजेंट का सूत्र आता है, व्हाट इज टिल्डन रिएजेंट, ओ डबल बॉन्ड एन सी एल, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन रिएजेंट कहते हैं। टिल्डन रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं NOCl। टिल्डन रिएजेंट क्या रिएक्शन देगा, देखिएगा CH3CH2NHH, व्हाट इज टिल्डन रिएजेंट, Cl, N डबल बॉन्ड O, यही बनेगा क्या, CH3CH2Cl, N2 प्लस H2O। तो किसका निर्माण हो जाएगा, एथिल क्लोराइड का। किसका निर्माण होगा, एथिल क्लोराइड का। मेन प्रोडक्ट लिखना भी है अपन यहाँ पे, सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही लिख दे रहे हैं CH3CH2Cl। ठीक है, ओके। अब अपन इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं जलीय केवच से। अपन को अगर पता है कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा तो अपन आराम से इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। जलीय केवच, जलीय केवच की नेचर आप जानते हो, Cl को हटा के किसको जोड़ देगा, OH को जोड़ देगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2OH।
क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला का देखिए क्या हो गया, आरोहण हो गया। यहाँ पे कितना कार्बन था? एक। इसमें प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? दो। और कार्बन श्रृंखला में आरोहण के लिए हमने इन स्टेप्स को काम में लिया। PCl5 ने हैलाइड बना दिया, क्लोराइड बना दिया, KCN ने साइनाइड बना दिया, साइनाइड का अपचेन कराया। देखिए इससे अपन ने साइनाइड बनाया और साइनाइड आते ही यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन तो ऐड हो गया, पर अपने को तो क्या चाहिए? एल्कोहल चाहिए। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपन ने इसको रेड्यूस किया, अपचित किया, अपचित करके अपन ने अमीन बना लिया, फिर अमीन को दोबारा से अपन ने क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन करवाई, और टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन करा के अपने को एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। और जलीय KO से Cl को हटाने के लिए क्या काम में लिया? जलीय KOH। तो हमें एथिल एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आरोहण करा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। एक और रिएक्शन है जो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं, देखिएगा। अपन ने एल्कोहल ले रखा है, मैथेनॉल CH3OH। इसकी रिएक्शन आप फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करा दीजिए। फास्फोरस और ब्रोमीन का मतलब PBr3 होता है। ठीक है, PBr3 रिएक्शन क्या होगी? CH3OH PBr, क्या बन जाएगा ये? H3PO3। और प्रत्येक CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3Br। ये हमारा यहाँ पे मुख्य प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। इसकी रिएक्शन फिर से वही स्टेप काम में ले लें, अपने को कार्बन ऐड करना है, तो रिएक्शन किससे करा दें? KCN से। पोटेशियम साइनाइड आयनिक नेचर का है, CH3 से कौन जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा, CH3CN। मैथिल साइनाइड का यहाँ पे निर्माण हो चुका है, क्या बन गया? मैथिल साइनाइड। अब आप क्या करें? देखिए, हालांकि आप यहाँ पे वही स्टेप फिर से काम में ले सकते हो, पर वो तो उसमें चेंजेस क्या आया, अपने को कुछ अलग से यहाँ पे डालना है। अगर आप इसका अपचेन कराओगे तो अमीन बन जाएगा, फिर अपचेन करवा के आप टिल्डन से रिएक्शन करा दीजिए, टिल्डन से जलीय KOH से करा दीजिए। बट अपन कुछ डिफरेंट मेथड यहाँ पे काम में लेते हैं, अपने को जो साइनाइड प्राप्त हुआ है इसका अपन करा देते हैं जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब देखिए, CH3C(NN). जल अपघटन का मतलब ये तीनों बॉन्ड टूट गए, जल इस पे क्या आएगा? कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। तो जल से क्या मिलेगा पॉजिटिव को? OH माइनस, और N को क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक कार्बन पे दो H2 स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट क्या होगा? CH3C(OH). इस OH को यहाँ लिख दूँ, क्या दिक्कत है? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका निर्माण होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, CH3COOH। ठीक है ना, जल अपघटन करवा के आपने क्या बना लिया? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप एक क्षार से करा दीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल है और अम्ल की रिएक्शन आप एक क्षार से कराइए। क्षार से जब आप रिएक्शन कराओगे, क्षार यहाँ पे काम में ले रहे हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, अम्ल क्षार अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, CH3COOH CH3COOH क्षार HOCAHO। ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं। यहाँ पे दो मोलिक्यूल क्यों लिए? क्योंकि कैल्शियम के पास में दो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्या देगा? H+, क्षार क्या देगा? OH-, क्या बना लेगा? H2O। अम्ल H+ देगा, OH- क्या बना लेगा? H2O। प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? CH3COO CH3COOCA। इसे यूं लिख, दो CH3C है तो इसे यूं लिख सकते हैं क्या? CH3COO का होल ट्वाइस CA, CH3COO का होल ट्वाइस CA। यानी किसका निर्माण हो गया? कैल्शियम एसीटेट का यहाँ पे निर्माण हो चुका है। अब कैल्शियम एसीटेट का आप शुष्क आसवन करवाइए। आगे अपन पढ़ेंगे, ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन आएगा कार्बोनिल में, शुष्क आसवन। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करवा रहे हो, तो शुष्क आसवन
करवाने पे प्रोडक्ट क्या आएगा और शुष्क आसवन किसके साथ करवा रहे हो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। कैल्शियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CA, ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। और ये शुष्क आसवन किसके साथ करवा रहे हो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में, HCOO का होल ट्वाइस CA, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ये शुष्क आसवन करा रहे हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट को यूँ लिख दूँ मैं, ठीक है। अब जब आप ये तो कैल्शियम एसीटेट हो गया और ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, ये आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन कार्बोनिल में मिलेगा, एल्डिहाइड बनाने की विधि है ये। तो अब इसमें देखिए जब आप इसको आश्रित करेंगे, डिस्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका इस प्रकार से डिसोसिएशन होगा जी। ध्यान दें क्या बना यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे जाके कौन जुड़ा, ये H, क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। इसी प्रकार से ये देखिए H C डबल बॉन्ड O, इससे जाके कौन जुड़ा, CH3, ये भी क्या बन गया, एसीटेल्डिहाइड। किसका निर्माण हो गया, एसीटेल्डिहाइड का, और ये क्या बना लेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो सह उत्पाद बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर ये CH3 यहाँ जाके जुड़ जाता और H यहाँ जुड़ जाता, तो देखिए हालांकि जुड़ता है पर अपन आसवन करा रहे हैं, आसवन का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न बॉइलिंग पॉइंट होगा, अलग अलग क्वथनांक होगा, ये तो जुड़ेंगी पर अपने को एसीटेल्डिहाइड के क्वथनांक पे जो वाष्प प्राप्त होगी वो एसीटेल्डिहाइड की ही होगी, ठीक है ना, आपको एसीटोन नहीं मिलेगा। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे एसीटेल्डिहाइड बॉयल होता है, उबलता है, उस टेम्परेचर पे जो आप वेपर कलेक्ट करोगे वह वेपर एसीटेल्डिहाइड की ही होगी, एसीटोन की नहीं होगी, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, एसीटेल्डिहाइड क्या बन गया, CH3CHO, ये लिख सकता हूँ CH3CHO, इसको बात आ रही है समझ में, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको रेड्यूस कर दो, अपचयित कर दो, अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, देखो भाई इसका अपचयन हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल कार्बोनिल में ऑक्सीकृत होता है, कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होता है। अपचयन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल में अपचयित होगा और कार्बोनिल अल्कोहल में अपचयित होगा, तो ये कार्बोनिल अल्कोहल में अपचयित होगा, देखना CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए, क्या बना, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, इस प्रकार से आप कार्बन श्रृंखला को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड, कार्बन श्रृंखला का आरोहण, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवरोहण की, कार्बन श्रृंखला का अवरोहण डिस्कस करेंगे। अवरोहण का मतलब नंबर ऑफ कार्बन हमें क्या करना है, कम करना है, अवरोहण यानी कार्बन को कम करना है। इसके लिए देखिए हम क्या मेथड काम में लेने वाले हैं, सबसे पहले अपन ने लिया मैथेनॉल CH3 CH2 OH, एथिल एल्कोहल लिया हमने, और एथिल एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं Al2O3 के साथ में 653 केल्विन टेम्परेचर पे। या तो ये मेथड काम में ले सकते हैं या अपने लिए नॉन मेथड है वो काम में ले लेते हैं, इसी एथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं पर कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में किस टेम्परेचर पे, 433 से 440 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किनी बनेगी ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोक्सी और एल्किल दोनों समूह भाग लेते हैं। टेम्परेचर ये रखा है 433 से 443, याद करिए अगर 413 टेम्परेचर रख देते तो प्रोडक्ट क्या बनता, ईथर, पर हमने टेम्परेचर क्या रख दिया, 433 से 443, इसलिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, एथीन का निर्माण यहाँ पे होता है। इसके पश्चात इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन से,
ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं CH2 CH2, और इन दोनों बॉन्डों के टूटने के रिजल्टिव यहाँ पे एक मिड प्रोडक्ट बनता है जिसको आप बोलते हो ओजोनाइड। किसका निर्माण होता है यहाँ पे? ओजोनाइड का निर्माण यहाँ पे होता है। क्या बना? ओजोनाइड। ठीक है, क्या लिया था आपने? एथिल एल्कोहल। क्या बनी? एथीन। क्या बना? ओजोनाइड। ओजोनाइड का निर्माण हो गया। अब इस ओजोनाइड का आप ओजोनी अपघटन कराएंगे Zn+H2O, ओजोनी अपघटन इस तरह से। जब ओजोनी अपघटन होगा तो ये ओजोनाइड टूट जाएगा। अब देखिए CH HCHO, यही है ना। अब इसको अपन ने तोड़ा तो यूं टूट गया। कार्बन का कितना बॉन्ड टूटा? एक। ऑक्सीजन का कितना टूटा? एक। कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। क्या बना? इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। 11th क्लास की वेल नोन रिएक्शन आपके लिए ये। क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का यहां पे फॉर्मेशन हो गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड का आप अपचेन करा दीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का अपचेन मींस ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे। क्या बन गया? CH3OH। ठीक है, इसका क्या कराया हमने? रिडक्शन, अपचेन, और प्रोडक्ट बन गया CH3OH। ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में कितने थे? दो। प्रोडक्ट में कितना है? एक। यानी कार्बन श्रृंखला का हो गया अवरोहण। नंबर ऑफ कार्बन में क्या आ गई? कमी आ गई। यहाँ पे मेन मैटर क्या करता है कि ये रिएजेंट परफॉर्म क्या करेगा, ये हमें पता होना चाहिए कि रिएजेंट यहाँ पे परफॉर्म क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले रखा है, ये टेम्परेचर तो एल्कीन बनेगी। एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, ओजोनाइड बनेगा। और ओजोनाइड क्या होता है? जिंक और H2O से रिएक्शन करके टूट जाता है, और टूट के क्या बनता है? कार्बोनिल बनता है। जैसा ओजोनाइड है वैसा ही कार्बोनिल बनेगा। अब हमारे पास में ओजोनाइड ये वाला है, तो कार्बोनिल कौन सा बना? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का जब आपने रिडक्शन कराया तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अवरोहण करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन दे रखी है हमें अवरोहण की, वो हम देख लेते हैं। देखिएगा कैसे होता है। देखिए यहां पे अपन ने ले रखा है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल का सबसे पहले आप करवा दीजिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होके सबसे पहले क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एल्कोहल ऑक्सीकृत होके एल्डिहाइड बनाएगा, प्राथमिक एल्कोहल इसलिए एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी होता तो कीटोन बनाता। तो एल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO। इस एल्डिहाइड क्या बना? एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। इस एसीटेल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एसीटेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल बन गया। अब आप इस एसिटिक अम्ल का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराइए, क्षार से अभिक्रिया करवाइए। क्षार लिया, बेस लिया आपने NH4OH, NH4OH देखिएगा CH3COOH+HONH4। इस एच और ओच ने क्या बना लिया? H2O। और प्रोडक्ट क्या बना हमारा? अमोनियम फॉर्मेसिटेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। किसका निर्माण हो गया? अमोनियम एसीटेट का निर्माण हो गया। ठीक है, अब जो अमोनियम एसीटेट बना उसको आप हीट दीजिए। इसको आप क्या दीजिए? हीट दीजिए। हीट देंगे मतलब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH4। जब भी हीट देंगे, अगर वाटर रिलीज होने की पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले वाटर निकलेगा। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर बाहर निकल जाते हैं, H2O अगर बाहर निकल जाता, तो बचेगा क्या? CH3
सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, किसका फॉर्मेशन हो गया? अमाइड का। क्या बन गया? अमाइड बन गया। ठीक है, आपने क्या करा, इसको हीट दी तो अमाइड बन गया। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Br2 के साथ में। ये देखिए नेम्ड रिएक्शन है, जो नाइट्रोजन वाले पार्ट में अपन पार्ट आएगा उसमें अपन अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। दिस इज होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और इसमें आप केवल अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि ये ओ ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और जो दो वैलेंसी यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ से जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ये यहाँ से हट जाएगा, ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा इसमें से। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में क्या होगा इसकी पूरी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन वाला जो पार्ट आएगा वहाँ पे। फिलहाल के लिए आप, हाल फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसमें से रिमूव हो जाएगा, इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा CH3। कैसे रिमूव होगा वहाँ पे बात करेंगे पूरी अपन, CH3NH2। अब इसके टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिए। टिल्डन रिएजेंट ये क्या बन गया? अमाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड, और ये बन गया मैथिल एमीन। अब आप इसके टिल्डन से रिएक्शन करवा रहे हो, टिल्डन रिएक्शन तो नोन है हमारे लिए, क्या बन जाएगा? CH3Cl मैथिल क्लोराइड और मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दीजिए आप जलीय KOH के साथ। जलीय KOH की परफॉर्मेंस पता है अपने को, सीएल हटा के क्या लगा देगा? OH, CH3OH, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ये आपका दो कार्बन थे और प्रोडक्ट में एक कार्बन है, यानी कार्बन श्रृंखला का क्या हो गया? अवरोहण। तो इस प्रकार से हम कार्बनिक श्रृंखला का आरोहण और अवरोहण इन मेथड से करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या हम अल्कोहल्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या हमारे पास में मेथड है जिनसे अपन अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्कोहल में विभेद, में विभेद के परीक्षण, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन इन अल्कोहल। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण, सबसे पहला टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण। इसमें देखिए एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है शुष्क ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl का सम मोलर मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। शुष्क ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेट HCl का सम मोलर मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इस मिक्सचर के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहलों में डिफरेंशिएशन किया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में अपन डिफरेंशिएट इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए रिएक्शन करवा रहे हैं ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl से, HCl और अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है, ZnCl2 काम में ले रहे हो तो ZnCl2 यहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा? ZnCl2 यहाँ पे वाटर रिलीज करवाना परफॉर्म करेगा। रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये अपन ने एल्किल हैलाइड बनाने की भी विधि पढ़ी थी, अल्कोहल में अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और उसी को अपन यहाँ पे एज ए टेस्ट यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, आपने ले रखा है CH3
CH3OH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल आपने यहाँ पे ले रखा है, तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो कॉन्सनट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2। जैसे आपने किसी बीकर में टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल ले रखा है और आप उस बीकर में जैसे ही ये ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं तो तुरंत अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं घुलने वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जो आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद इस पूरे में जो वाइटनेस थी आपको दिखाई देने लगती है तुरंत। पहले पूरा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था और जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट अपने जो भी पोर्ट आपके पास में टेस्ट ट्यूब हो सकती है बीकर हो सकती है उसमें डाला तो डालते तुरंत जो अनडिजॉल्व होने वाला प्रोडक्ट है वो आपको दिखने लगता है, वाइट कलर की वाइटनेस उसमें दिखाई देने लगती है, टर्बिडिटी दिखाई देने लगती है, टर्बिडिटी वहाँ पर बन जाती है वाइट कलर की जो कि डिजॉल्व नहीं होती है। क्या बनता है प्रोडक्ट? CH3 CL+H2। ठीक है, इसको आप याद किस प्रकार से रखेंगे? देखिए रिएक्टेंट कौन सा? टर्सरी रिएक्टेंट है और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने सबसे ज्यादा बताई है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? अधिक हो गई, तुरंत बन गया। टर्सरी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट तुरंत बन गया इस प्रकार से, तो अविलेय जो क्लोराइड है वो आपका तुरंत बन जाता है, तुरंत। यानी जैसे आपको एल्कोहल दिया आपको कहा पहचानिए तो आप क्या करेंगे, एल्कोहल ले लिया उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते टर्बिडिटी जो वाइटनेस है अविलेय क्लोराइड जो फोर हुआ तुरंत आपको दिखाई देने लग जाए तो आप कह देना मुझे टर्सरी एल्कोहल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये कौन सा था? टर्सरी आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, ये कौन सा है? सेकेंडरी। अब इसमें आप जब ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट याद हो गया होगा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 का शुष्क मिश्रण। तो अब इसमें डालेंगे, देखिए तो टर्सरी रिएक्टेंट था तुरंत आपका अविलेय पदार्थ बन गया था, अब आपने सेकेंडरी ले रखा है तो इसमें जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो तुरंत आपको वाइट टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगी, आपको आप हिलाओगे डिजोल्व करोगे तो 5 से 10 मिनट के पश्चात आपको ये अविलेय क्लोराइड या मैं कहूँ वाइट टर्बिडिटी आपके सॉल्यूशन में दिखाई देने लगेगी जो कि किसकी होगी, इस आइसोप्रोपिल क्लोराइड की, 5 से 10 मिनट पश्चात। ठीक है, फिर से सुनिए, आपको एल्कोहल दिया गया है, ल्यूकास रिएजेंट डाला तुरंत वाइट टर्बिडिटी आ गई, अविलेय क्लोराइड बन गया टर्सरी एल्कोहल, 5-10 मिनट आपने हिलाया डिजोल्व किया उसके पश्चात वाइट टर्बिडिटी आई सेकेंडरी एल्कोहल, और इसमें कार्बोकेटाइन की रेस्पेक्ट में इसको याद रखेंगे टर्सरी स्टेबल होता है रिएक्टिविटी अधिक है, यहाँ पे सेकेंडरी इसलिए रिएक्टिविटी कम हो गई है, और यदि प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ होता CH3CH2OH तो यहां पे क्या होगा, HCl प्राइमरी है, अब यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता ही नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है तो बनेगा ही नहीं, नॉट प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट ही नहीं बना तो क्या वाइट टर्बिडिटी दिखाई देगी? आप 5-10 मिनट क्यों, आधे घंटे बैठे रहिए, 1 घंटे बैठे रहिए, आपके वो कभी भी वाइट जो वाइटनेस दिखाई दे रही थी टर्बिडिटी दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे अपीयर होगी ही नहीं। तो देखिए 3 पोर्ट दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमें कहा इनमें से पहचानिए कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है कौन सा टर्सरी है, तो हमने कहा हमें क्या दीजिए, ल्यूकास रिएजेंट दीजिए, ल्यूकास रिएजेंट लिया
और हमने सबसे पहले पहले टेस्ट ट्यूब में डाला लुकास रिएजेंट, डाला वाइटर बाइटी नहीं आ रही है, पर 5-10 मिनट यू डिजोल्व किया तो वाइटर बाइटी आ गई, 5-10 मिनट पश्चात वाइटर बाइटी आई है, मीन्स दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाई हमने, लुकास रिएजेंट डाला और डाला, डालते ही हिलाना भी नहीं पड़ा तुरंत वाइटर बाइटी आ गई, तो हम कहेंगे टर्सरी एल्कोहल। और तीसरी टेस्ट ट्यूब उठाई, उसमें अपने लुकास रिएजेंट डाला, खूब हिलाया, खूब डिजोल्व किया, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, पर वाइटर बाइटी नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस लुकास रिएजेंट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। एक विक्टर मेयर विधि भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण भी विधियों से अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी जो आपको जो बातें बताई गई है उनको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।